आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। 8 राज्यों में 71 सीटों पे फैसला होने का दिन है आज। हम आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ वोट डालने के लिए पहुंची हैं। हेमा इस बार चुनाव में खुद कंटेस्टेंट हैं, खुद कैंडिडेट हैं मथुरा से, और वो वोट डालने के लिए पहुंची मुंबई में। आज मुंबई की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिग बी अमिताभ बच्चन भी वोट डालने के लिए पहुंचे और लगातार सुबह से ही सेलिब्रिटीज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक तरह से रोल मॉडल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फिंगर के ऊपर इंक लगा के वो तस्वीरें और सेल्फीज दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे आप भी भारी मात्रा में वोटिंग के लिए निकले। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने, ईशा उनकी बेटी हेमा मालिनी ने वोट डाला, और साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में अमिताभ बच्चन बिग बी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस पोलिंग बूथ की तस्वीरें। आपसे कुछ देर पहले हेमा मालिनी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंची, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हेमा मालिनी के लिए प्रचार करने के लिए धर्मेंद्र पहुंचे थे मथुरा। वहां पर जाट वोट अच्छा खासा है, तो वहां पर बहुत ही जाट अंदाज में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए वोट मांगे। और आज ही का दिन है जब धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने भी नामांकन दाखिल किया गुरदासपुर सीट से। और ये जो तस्वीरें हैं, ये हेमा मालिनी की वोट डालती हुई तस्वीरें हैं मुंबई में। Word and professional life. I never say no, so you never know. We'll see what the future holds. I never say no for anything, so we'll see what the future holds. As of now, I'm very settled in where I am. तो देखा आपने ईशा देओल, मुझे लग रहा है कि वो एक्टिंग को रेफर करते हुए कह रही थी कि आई नेवर से नो, लेकिन उन्होंने आज वोटिंग को नो नहीं बोला। ये बहुत अच्छी बात है।